नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल ए टू जेड स्पीड न्यूज में। दोस्तों, कल आईपीएल 2020 के दूसरे क्वालिफायर मैच में सनराइजर्स हैदराबाद के सामने दिल्ली कैपिटल्स की टीम नजर आई, जहां पर टॉस जीतने के बाद दिल्ली कैपिटल्स की टीम ने 20 ओवर के समाप्ति पर 189 रन बनाए, जिस लक्ष्य का पीछा करने उतरी सनराइजर्स हैदराबाद की टीम 17 रनों से मैच हार गई। फाइनल से पहले इन खिलाड़ियों के पास ऑरेंज कैप और पर्पल कैप नजर आ रहा है। आईपीएल के मौजूदा ऑरेंज कैप की रेस में शामिल खिलाड़ियों की बात करें तो किंग्स इलेवन पंजाब के केएल राहुल 14 मैचों में 670 रन बनाकर पहले स्थान पर काबिज है। दूसरे स्थान पर अब दिल्ली कैपिटल्स के सलामी बल्लेबाज शिखर धवन नजर आ रहे हैं, जिन्होंने 16 मैच खेलकर टीम के लिए 603 रन बनाए हैं। जबकि अब नंबर 3 पर सनराइजर्स हैदराबाद के कप्तान डेविड वार्नर नजर आ रहे हैं, जिन्होंने 16 मैच खेले हैं जिसमें से 548 रन बनाए हैं। नंबर 4 पर अब मुंबई इंडियंस के युवा बल्लेबाज ईशान किशन नजर आ रहे हैं, जिन्होंने 13 मैचों में 483 रन बनाए हैं। वहीं नंबर 5 पर उन्हीं के टीम के खिलाड़ी क्विंटन डीकॉक नजर आ रहे हैं, जिन्होंने 15 मैचों में 483 रन बनाए हैं। अगर पर्पल कैप की बात करें तो पहले स्थान पर एक बार फिर से दिल्ली कैपिटल्स के कगिसो रबाडा ही नजर आ रहे हैं, जिन्होंने इस सीजन में 16 मैच खेलकर टीम के लिए 29 विकेट लिए हैं। जबकि अब नंबर 2 पर मुंबई इंडियंस के तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह का कब्जा हो गया है, जिन्होंने अब तक इस सीजन में 14 मैच खेलकर 27 विकेट अपने नाम किए हैं। अब नंबर 3 पर मुंबई इंडियंस के ही ट्रेंट बोल्ट नजर आ रहे हैं, जिन्होंने 14 मैच खेले हैं उनमें से 22 विकेट अपने नाम किए हैं। वहीं आरसीबी के यजुवेंद्र चहल ने 15 मैचों में 21 विकेट झटक कर पर्पल कैप की रेस में चौथे स्थान पर है। अब नंबर 5 पर सनराइजर्स हैदराबाद के राशिद खान नजर आ रहे हैं, जिन्होंने 16 मैच में 20 विकेट झटके हैं। दुबई में होने वाले फाइनल मैच के लिए जब दिल्ली कैपिटल्स और मुंबई इंडियंस की टीम ने आमने सामने होगी तो उस समय पर्पल कैप पर कगिसो रबाडा और जसप्रीत बुमराह के बीच बड़ी टक्कर देखने को मिलेगी। ऑरेंज कैप की बात करें तो शिखर धवन चाहेंगे कि केएल राहुल को पीछे छोड़कर कैप अपने नाम कर ले। फाइनल मुकाबला रोमांचक होने वाला है।